माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि बीआरसी, सीआरसी व बीआरसी महत्वपूर्ण पद है, काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण पद पर भी पहली बात तो है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से आप इन पदों को भरने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 955 के लगभग पद हैं, रिक्त हैं, जो इनके लिए जो हमारे आरक्षण की व्यवस्था की मैंने बात की है, जब हमारे पद इतने रिक्त हैं, राजकीय स्थायी नियुक्ति इन पदों पर होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर आप आउटसोर्सिंग से रख रहे हैं तो कितने समय के लिए ये पद भरोगे, उसके बाद फिर इसका मतलब एक साल, दो साल, तीन साल के बाद फिर आप इनको पदों को भरने की बात करोगे। ठेकेदारी तो दे रहे हैं आप 10 साल के लिए, और इन पदों की समय सीमा आप बताएंगे कितनी देर, और दूसरे इनका सैलरी कितनी निर्धारित करोगे। कम से कम एक प्राथमिक शिक्षक के समकक्ष तो इनकी सैलरी होनी ही चाहिए, तो क्या इनका सैलरी इतनी होगी कि जितना प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान होता है उसके समकक्ष इनकी वेतनमान दिया जाएगा? माननीय मंत्री, आउटसोर्सिंग खत्म करो, हर विभाग में सारे रिक्त पदों को भरो, सफाई कर्मचारी सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सदन बहुत अच्छा चल रहा है। अरे बड़ी, आज मुझे प्रेस के लोग भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा चल रहा है, और अच्छी परंपरा यह है कि यहाँ पे सब लोग अपने क्षेत्र के प्रश्न भी पूछते हैं, हम उसका जवाब भी देते हैं। जहाँ तक श्रीमती ममता राखी जो हमारी सम्मानित विधायक जी हैं, उनका प्रश्न है कि क्या विद्यालय शिक्षा मंत्री बताएंगे कि सीआरसी और बीआरसी के पदों की भर्ती में आरक्षण दिया जा रहा है। मैंने उत्तर में दिया है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, और आरक्षण वैसा दे रहे हैं जैसा कि हमारी सरकार में सभी पदों पर आरक्षण दिया जाता है। हम लोग अनुसूचित जाति के लिए 19% दे रहे हैं, जनजाति के लिए 4% दे रहे हैं, ओबीसी के लिए 14% दे रहे हैं, और अन्य जो आरक्षण हैं, विकलांग हो गया, वो सब हैं, वो क्षेत्रीय आरक्षण जो भी सरकार का होता है वो दे रहे हैं। तो आपको तो हाँ वो भी दे रहे हैं, क्षेत्रीय आरक्षण मैंने बोल तो दिया। तो पहले तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहता था सरकार को कि आप आरक्षण दे रहे हैं। नहीं नहीं, अरे देखो भाई, और दूसरा धन्यवाद देना चाहता था अध्यक्ष जी, और दूसरा अध्यक्ष जी, बड़ी बात यह है कि ये मैं पूरे सदन के सामने रखना चाह रहा हूँ कि समग्र शिक्षा अभियान चला था 2001 में। उस समय इस अभियान का नाम था सर्व शिक्षा अभियान, और अध्यक्ष जी तब से लेकर आज तक बीआरसी सीआरसी में जो है कभी भी पदों की भर्ती नहीं की गई। हमारे जो टीचर स्कूलों में काम करते थे वो टीचर प्रतिनियुक्ति पे वहाँ भेज दिए जाते थे, और स्कूल खाली रहते थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो पहले तो दीदी को मुझे धन्यवाद देना चाहे कि मंत्री जी तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है कि बेरोजगारों को नौकरी भी दे रहे हैं। पहले सुन तो लो पूरी बात है, मैं आज आप 20 मिनट तभी बोलो मैं जवाब दूंगा आपका। नहीं नहीं सुन लीजिए, अब माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान इसका नाम रखा गया, और समग्र शिक्षा में ये अभियान जो है भारत सरकार का है। भारत सरकार ने हमको टोटल जो पद दे रखे हैं उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन है, टोटल हमको जो पद दिए गए हैं वो 285 पद हैं बीआरसी में, 670 पद हैं सीआरसी में, टोटल 955 पद दिए गए हैं। और जब हमारी सरकार आई और मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने कहा भाई कि हम टीचरों को पढ़ाने के अलावा बीआरसी सीआरसी का काम नहीं देंगे, और यहाँ जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार नियुक्तियाँ की जाएंगी। भारत सरकार कहती है कि राज्य परियोजना अधिकारी जो होगा वो पदेन महानिदेशक होगा, अपर राज्य परियोजना निदेशक होगा
वो लेवल 13 का होगा, वो भी विभाग से प्रतिनियुक्ति से आएगा। वित्त नियंत्रक जो है वो भी लेवल 13 का होगा, वो भी प्रतिनियुक्ति से आएगा। संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक है लेवल 12 का, वो भी प्रतिनियुक्ति से आएगा। ऐसे उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी है। और जो BRC CRC हैं उन्होंने कहा कि ये आउटसोर्स से रखे जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार कह रही है। और भारत सरकार ही इसके लिए राज्यों के लिए क्या देती है, पैसा देती है। उनके तनख्वाह भी फिक्स है कि किसको 25,000 रुपये मिलेंगे, किसको 40,000 रुपये मिलेंगे, किसको 50,000 रुपये मिलेंगे, किसको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, ये भारत सरकार के मानक तय हैं। दीदी को ये धन्यवाद देना चाहता था मुझे, हाँ दीदी को ये धन्यवाद देना चाहता था मुझे कि पहली बार किसी मंत्री ने, यार हृदय आज तुम इतने गर्म क्यों, पहली बार किसी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री और मैंने जो है साहस किया कि 955 लोगों को अपने राज्य में BRC CRC में नौकरी देने का, और जो चाहती हैं दीदी वो आरक्षण भी देने का काम कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा ताली तो बजा दो दीदी इसके लिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए एक सवाल करूंगा मैं। जो BRC CRC के पद आप कर रहे हैं इसमें आप आरक्षण की तो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये आप बताएंगे कि इसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी करेंगे आउटसोर्स में, या फिर बाहर के लोगों को लाने का काम करेंगे? और दूसरा, ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमारे भाई ने। मेरे पे एक आरोप लगा जब हमने नर्सिंग भर्ती की, सुन लीजिए, और हमारी सरकार पे लोगों ने फेसबुक में चलाया कि सब बाहर के आगे नर्सिंग अधिकारी। वर्षवाद जब नियुक्तियां की गई हमने तो बहुत चलाए, मैं भी चुपचाप रहा। अच्छा हो गया आपने पूछ लिया आज। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ, नहीं पूछते तो नहीं करने वाले, मैं तो कैसे बोलते हैं, धन्यवाद कर दो चौहान जी का, बार बार मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ और अपने संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और धन्यवाद क्या दे रहा हूँ, और सबका धन्यवाद दे रहा हूँ कि जितने नर्सिंग अधिकारियों की हमने नियुक्ति की है 100% उत्तराखंड के लोगों को। और इसमें नहीं नहीं उनका जवाब दे रहा हूँ। और इस BRC CRC में भी हम जितने आउटसोर्स से लगाएंगे वो उत्तराखंड के मूल निवासियों को लगाएंगे, बाहर का कोई नहीं।